अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरीज राह जुनून के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शबरेज के जुनून ने महक को कहीं का नहीं छोड़ा। आप शबरेज के जुनून के आगे महक का बाप भी बेबस हो चुका है। शबरेज के जुनून ने महक को बदनाम कर दिया। अब महक के बाप के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो किसी और के साथ उसकी शादी कर सके, क्योंकि जितनी बदनामी शबरेज की वजह से महक की हो चुकी है, अब कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए महक का बाप उसे शबरेज के साथ ही रुखसत कर देगा और उसे घर से निकाल दे, ये कहकर कि अब वो उनके लिए मर चुकी है, वो दोबारा उनके घर का रुख ना करे। अपने बाप को इतना बेबस मेहर ने कभी नहीं देखा था। अपने बाप की बेबसी उसके दिल में शबरेज के लिए नफरत पैदा कर देगी। अब मेहर सिर्फ शबरेज से नफरत करती है उसके जुनून और पागलपन की वजह से। दूसरी तरफ शबरेज तो बहुत ज्यादा खुश होगा कि उसने मेहर को पा लिया, मेहर की मोहब्बत पा ली। लेकिन असल कहानी तो तब शुरू होगी जब मेहर उसे बता देगी, उसे जतला देगी कि वो उसे पाकर भी हार चुका है, वो कभी भी उसे नहीं पा सकेगा। अगर आज भी जोर जबरदस्ती करना चाहता है उसे पाने के लिए तो वो कर सकता है। ये सुनकर तो शबरेज गुस्से से पागल हो जाएगा और कहेगा उसको पाना या हासिल करना उसका कभी मकसद था ही नहीं, वो उसे इष्ट करता है। अगर आज उसकी जगह कोई और होता तो वो उसे जरूर उससे जोर जबरदस्ती करके अपनी मर्दानगी जरूर साबित कर देता, लेकिन वो उसे इष्ट करता है। अब शबरेज को एक तरफ मेहर की बेरुखी बर्दाश्त करना पड़ेगी और दूसरी तरफ अपने घर वालों का रवैया, जो उसे बारह कहेंगे कि वो उस लड़की को जहाँ से लेके आया है वहीं छोड़ आए, वो इसको कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगे।